यहाँ पे धारी देवी मंदिर के ठीक सामने पे आए हैं। आप भी धारी देवी के दर्शन कर सकते हैं। वो डैम के बीचों बीच में है माँ धारी देवी का मंदिर। नज़ारा देखो कितना प्यारा लग रहा है, गजब का नज़ारा है। और यहाँ पे देखो भयंकर वाली भिड़ंत हो चुकी है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे देखो बहुत टाइम के बाद आज गार्लिक नान मिल रहा है। यह यहाँ पे जीरा राइस और ये दाल फ्राई बाबा जी कर रहे हैं इनका लंच। यहाँ पे एक ही गाड़ी जाने को है, अभी दीवार लगा के रखी है कि ताकि दो गाड़ी पास ना हो। मिलेगी मंजिल तो बड़ी शिद्दत से बताएंगे, अभी मेरे सफर का हाल मत पूछो। टूटे हुए ख्वाबों का एक परिंदा हूँ मैं, उम्मीद अभी भी बाकी है इसलिए जिंदा हूँ मैं। हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ से गाइस। और गाइस मेरे गांव का नाम है सेमी गांव, जो पड़ता है उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक सुंदर सा प्यारा सा गांव है। सूर्य भगवान जी के भी दर्शन कर सकते हैं, बादलों के बीच छुपे हैं सूर्य भगवान जी। और नीचे देखो मंदाकिनी नदी के भी दर्शन कर सकते हैं। और बाकी अगर मौसम की बात की जाए तो थोड़ा बहुत बादल लगे हैं, थोड़ा बहुत मौसम साफ है। तो गाइज अभी सुबह का नाश्ता पानी भी हो गया है, अब हमारी तैयारी हो गई है श्रीनगर जाने की। तो पापा का कुछ काम है तो हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, तो फटाफट से चलते हैं। सुबह के 8:30 हो चुके हैं, तो अब चलते हैं फटाफट श्रीनगर गढ़वाल में चलते हैं। तो आपको भी बताते हैं एक सुंदर सा नज़ारा, ने गुप्तकाशी से श्रीनगर गढ़वाल तक का नज़ारा। तो गाइज अगर आपने अभी तक बिपिन पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले। हर हर महादेव। सो गाइज अभी पहुंच चुके हैं श्रीनगर बाजार में, तो देख सकते हैं देखो ये है श्रीनगर बाजार। और देखते हैं यहाँ पे थोड़ा पार्किंग ढूंढते हैं, यहाँ पे है पर पार्किंग। यहाँ पे देखो ना भीड़ देखो, बाप रे इतनी ज्यादा भीड़ है ना, भयंकर वाली। और श्रीनगर गढ़वाल में देखो इतनी भयंकर वाली भीड़ है ना, बहुत ज्यादा भीड़ है देख सकते है। तो फाइनली मेरा कैमरा अब हुआ है चालू श्रीनगर बाजार में। तो बाकी ये है श्रीनगर बाजार और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। यात्रियों की तो भीड़ नहीं है पर नौकलियों की बहुत ज़्यादा भीड़ है देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है, तो आज पापा के साथ मैं आया था श्रीनगर, तो पापा वहाँ पे गए हैं, पापा का थोड़ा बहुत कुछ काम था तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने यहाँ पे गाड़ी को लगाया था, पापा का काम भी हो गया उधर, तो अब यहाँ से फटाफट चलते हैं। चलो फाइनली हम निकल चुके हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी, बाप रे बाप, हालत ख़राब होगी यहाँ तो। तो चलो चलते हैं अपने पहाड़ों में। ये भी पहाड़ी है पर यहाँ श्रीनगर गढ़वाल में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये यहाँ पे हरिद्वार ऋषिकेश के लिए गाड़ियाँ मिलती है, गुप्तकाशी जोशीमठ सब जगहों के लिए यहाँ से गाड़ियाँ मिलती हैं। ये देखो बड़ी बस होगी, छोटी गाड़ी होगी, सब यहीं से मिलती है। और यहाँ पे देखो भयंकर वाली भिड़ंत हो चुकी है, ये देख सकते हैं। तो अभी अभी हुई शायद, ये देखो भयंकर वाली। तो इसमें किसकी गलती है वो तो मालूम नहीं है। तो कभी भी अगर पहाड़ों में आते हो तो एकदम अच्छी तरह से गाड़ियाँ चलाओ, अपनी साइड जितना हो सके उतना दबा के चलो अपनी साइड। रॉन्ग साइड जाओगे तो पिटोगे ठुकोगे सब, वो तो होगा ही पहाड़ों में, क्योंकि जो प्लेन्स के रहते हैं उनको आदत रहती है पड़ी हुई दोनों साइड से पास मांगना, रॉन्ग साइड चलना। वो देखो यहाँ पे देखो बाइक वाले, यहाँ पे देखो बहुत टाइम के बाद आज गार्लिक नान मिल रहा है। ये देखो तभी टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे हो रहा हमारा दिन का लंच। ये देखो तो ये है यहाँ पे जीरा राइस और ये दाल फ्राई बाबा जी कर रहे हैं इनका लंच है। तो हमने यहाँ पे लंच भी कर दिया है डैम के पास में, श्रीकोट से थोड़ा आगे, तो पापा और मैंने लंच कर दिया है 2:30 बजे। तो अब यहाँ से फटाफट से चलते हैं अपने घर की ओर। बाकी देखो यहाँ का नज़ारा बताता हूँ आपको। तो ये देखो कुछ इस प्रकार से ये है यहाँ पे पापा जी, इस प्रकार से है डैम का नज़ारा जहाँ पे हमने खाना खाया था। देखो इतना प्यारा लोकेशन है, नीचे देखो डैम श्रीनगर डैम और सामने देखो ये देखो यहाँ पे देखो बहुत ही प्यारे प्यारे फूल भी हैं, मस्त किला ये देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम आगे की तरफ आए हैं, तो यहाँ पे धारी देवी मंदिर के ठीक सामने पे आए हैं। आप भी धारी देवी के दर्शन कर सकते हैं, माँ धारी देवी का मंदिर
बीचों बीच, ये देखो डैम के बीचों बीच में है माँ धारी देवी का मंदिर, देख सकते हैं देखो। तो ऐसा है माँ धारी देवी का मंदिर यहाँ पे श्रीनगर डैम के पास में, ये देख सकते हैं। और ये है नेशनल हाईवे केदारनाथ वाली, तो देख सकते हैं। और सुंदर सा नज़ारा है श्रीनगर का, ये देख सकते हैं। देखो सामने हमारी कार भी है और गजब का नज़ारा, देखो कितना प्यारा लग रहा है, गजब का नज़ारा है, तो देख सकते हैं। देखो तो अब यहाँ से चलते हैं माँ धारी देवी के दर्शन करके, फिर चलते हैं फटाफट अपने घर की ओर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं। तो धारी देवी मंदिर के पास में देखो कितनी सारी भीड़ है, यात्री लोग, टेम्पो ट्रैवल, तो बहुत सारे यात्री लोग गए हैं माँ धारी देवी के दर्शन करने के लिए। और ये गेट है माँ धारी देवी का, हम पहुंच चुके हैं सिरोबगड़ में, क्योंकि काफी डैमेज वाला एरिया है, ऊपर से पत्थर आते हैं। तो ये हर साल टूटता रहता है, मशीनें एक यहाँ पे रहती है एक पीछे रहती है, हर समय मशीन भी रहती है कि कभी भी ऊपर से टूट सकता है। अभी हम पहुंच चुके हैं नरकोटा में, जो कि यहाँ पे ये ब्रिज बना था, पुल, तो ये देखो पूरा का पूरा ये पुल डैमेज हो चुका है। यहाँ पे रेलवे का भी काम लगा है और जितने भी ये टैंकर वगैरह हैं सब रेलवे गैस है। बाकी जो ये सामने है वो है सुरंग, तो यहाँ से रेलवे आएगी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग बाईपास, तो यहाँ से हम जाएंगे बाईपास की रोड पे। आजकल यहाँ भी सुनसान पड़ा हुआ है। तो अब हम आ चुके हैं रुद्रप्रयाग के नए वाले पुल में, और जहाँ से ये सुरंग सीधे बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ेगी, और ये जल्द ही ये शुरू होने वाली है सुरंग। तो अभी हम आए हैं भटवारी सैंड में, रुद्रप्रयाग से थोड़ा आगे, और यहाँ पे आजकल ऊपर ये जाली का काम चल रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आजकल जाम लग रहा है भयंकर वाला। सुबह में भी जाम लगा था और अभी भी देखो इतना भयंकर जाम लग रहा है ना। तो बाकी ऊपर चट्टान पे वो हो रहा है, जाली लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमेशा चट्टान खिसकती रहती है। तो यहाँ पे देखो ये लोग कन्फ्यूज हो गए, तो यहाँ पे एक ही गाड़ी जाने को है अभी, तो बाकी देख सकते हैं। और यहाँ भी उन्होंने दीवार लगा के रखी है कि ताकि दो गाड़ी पास ना हो। और गाइस जैसे मैं घर पे आया हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारा शामू भी यहाँ पे आ रखा है। गाइस अभी 5 बज चुके हैं, तो अपने घर में पहुँच चुके हैं। तो अभी देखो, और आज देखो 5 बजे काफ़ी अंधेरा होने बैठ गया है, ये देख सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा मौसम पैक है, देख सकते हैं। मेरे दोस्त, मिलेगी मंजिल, मिलेगी मंजिल तो बड़ी शिद्दत से बताएंगे, अभी मेरे सफ़र का हाल मत पूछो। टूटे हुए ख्वाबों का एक परिंदा हूँ मैं, उम्मीद अभी भी बाकी है इसलिए जिंदा हूँ मैं। तो गाइस अभी देखो रात के 8 बज चुके हैं, और 8 बजे देखो इतनी भयानक वाली बारिश शुरू हो गई ना, देख सकते हैं, देखो बाप रे बाप भयंकर बारिश हो गई है।
तो गाइस ये देख सकते हैं खतरनाक वाली बारिश लग चुकी है रात में, अभी भी 9 बजने वाला है और ये देखो पूरी की पूरी घाटी में देखो भयंकर वाली बारिश शुरू हो गई है। तो गाइस अभी खाना वाना भी हो गया है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय केदार बाबा, हर हर महादेव, जय श्री राम।